सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले न्यूमोटेप 100 mg टेबलेट्स के बारे में। न्यूमोटेप 100 mg टेबलेट्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों के यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन अलगी और ये किस प्रकार काम करता है, उसका डोज और डोजेंस कितना होना चाहिए, इसका डोज आप किसी दिन मिस कर जाए तो अगले दिन इसका डोज किस तरह से ले सकते हैं, ये टेबलेट्स का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए, ये टेबलेट्स का इस्तेमाल करते समय क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, और पेन रिलीफ्स और फीवर के इलाज में दिए जाने वाले टेबलेट्स इतना यूजफुल क्यों है। तो न्यूमोटेप टेबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या फिर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। शुरू करते हैं न्यूमोटेप टेबलेट, जो कि हमारे पास 10 वाली का स्टेप से, जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 90 rupees, यानी कि 90 रुपये करीब इसकी MRP है। न्यूमोटेप टेबलेट्स को सिंथोस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेंस कंपनी है और बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन भी बनाती है। न्यूमोटेप टेबलेट्स के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डाला गया जिसका नाम है न्यूमोसुलाइड टेबलेट्स, यानी कि इसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डाला गया जिसका नाम है न्यूमोसुलाइड्स 100 mg टेबलेट्स। न्यूमोटेप टेबलेट्स का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल दर्द एंड फीवर के इलाज के लिए ये टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सरल भाषा में बताएं तो न्यूमोटेप टेबलेट्स का इस्तेमाल दर्द, इन्फ्लेमेशन और बुखार से राहत पाने के लिए ये टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि न्यूमोटेप टेबलेट्स को यूज़ करने से बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपकी बॉडी की कोई भी पार्ट्स में आपको पेन हो रहा है या फिर दर्द वगैरह हो रहा है या फिर आपको इन्फ्लेमेशन हुआ है या फिर आपको बुखार वगैरह हो रहा है, यानी कि आपको तेज बुखार वगैरह है, तो ये टेबलेट्स को यूज़ करने से वो ठीक हो सकता है। न्यूमोटेप टेबलेट्स का डोज और डोजेंस की बात करें तो इसका डोज और डोजेंस आपकी एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी और वेट कितना है, और उसका डोज और डोजेंस आफ्टर मिस रहता है, यानी कि ये टेबलेट्स को खाना खाने के बाद दिया जाता है, और ये टेबलेट्स का इस्तेमाल केवल एडल्ट यूज के लिए, यानी कि जिसकी एज 20 साल से ज़्यादा है वो ये टेबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये टेबलेट्स को आफ्टर मिस दिया जाता है, यानी कि ये टेबलेट्स को खाना खाने के बाद दिया जाता है, ये टेबलेट्स का इस्तेमाल ट्वाइस डे रहता है, यानी कि सुबह नाश्ते के बाद एक टेबलेट्स, रात को खाना खाने के बाद एक टेबलेट्स खा सकते हैं, वो भी अपने डॉक्टर की देखरेख में। अगर आप इसको कंटिन्यू बेस पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी कि अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल नहीं करें, कंटिन्यू बेस पर इसका सेवन किए जा रहे हैं, यानी कि इसके ओवरडोज ली है, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में आपको हो सकता है आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपको मछली आना हो सकती है, आपको डायरिया दस्त हो सकती है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो न्यूमोटेप टेबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। न्यूमोटेप टेबलेट्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स न्यूमोटेप टेबलेट्स। न्यूमोटेप टेबलेट्स के अंदर जो दवाई रहती है, यानी कि न्यूमोसुलाइड्स 100 mg टेबलेट्स, वो एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी कि NSAID है। यह कुछ विशेष केमिकल मैसेजर के स्त्राव को रोकती है जिनके कारण दर्द, इंफ्लेमेशन यानी कि लाल होना, सूजन होना होता है। न्यूमोटेप टेबलेट्स का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, या कोई पेशेंट जो कि एल्कोहल का कंज्यूम करता है, या कोई पेशेंट जिनको लीवर या किडनी से जुड़ी कुछ डिजीज है, तो इन कंडीशन में न्यूमोटेप टेबलेट्स का इस्तेमाल नहीं करें। न्यूमोटेप टेबलेट्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस टेबलेट्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से न्यूमोटेप टेबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो न्यूमोटेप टेबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेशन बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आई डी दिया है वहाँ पर बताएं। न्यूमोटेप टेबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी टेबलेट्स का इस्तेमाल करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।